गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट को गुपकार गैंग का नाम दिया है। अमित शाह ने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल करते हुए कहा है कि ये गैंग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है, हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान करता है। क्या सोनिया और राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? अमित शाह ने कहा कि वे गुपकार गुट को कहना चाहते हैं कि ये लोग देश के मूड के साथ चले वरना खत्म हो जाएंगे। अमित शाह ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और गुपकार गुट के नेताओं और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। अमित शाह ने कहा गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है, वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर में दखल करें। गुपकार गैंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का स्वागत करते हैं? उन्हें अपना रुख पूरी तरह से साफ करना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अव्यवस्था के दौर में ले जाना चाहते हैं। ये लोग दलितों, महिलाओं और आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं, जिससे कि हमने अनुच्छेद 370 हटाकर इन लोगों को दिया है। अमित शाह ने कहा कि इसलिए इन लोगों को हर जगह खारिज किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कड़े शब्दों में साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा अभिन्न अंग रहेगा। अमित शाह ने कहा कि भारत के लोग अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी तरह की अपवित्र ग्लोबल गठबंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। गुपकार गैंग को या तो राष्ट्रीय मूड के साथ चलना चाहिए या फिर ये लोग खत्म हो जाएंगे। दरअसल गुपकार घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने गुपकार स्थित आवास पर 4 अगस्त 2019 को हुई एक सर्वदलीय बैठक के बाद जारी प्रस्ताव है। इसमें कहा गया था कि पार्टियों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और उसके विशेष दर्जे को संरक्षित करने के लिए वो मिलकर प्रयास करेंगी। इस घोषणा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआईएम, पीपल यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा लिया था। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट।